भागवती संहिता श्रीमद् भागवतम को रच करके जब प्रकाशित किए, प्रकाशित करके अनुक्रम्य क्रमानुसार जब इसका विशेष प्रकार से व्याख्या करके उन्होंने निवृत्ति निरतम मुनिम सुखम, जो निवृत्ति निरत हैं अर्थात जो ब्रह्म के अनुभव में लगे हुए ब्रह्मानुभवम, उनके पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी हैं जन्म लेते ही घर को छोड़कर के जंगल में चले गए थे, जिनका मन केवल ब्रह्म में लगा हुआ था, निमग्नता के कारण बाह्य प्रवृत्ति जो शून्य थे, जिनका मन संसार में नहीं लगा हुआ था। सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ, व्यासदेव जी के जो लड़के सुखदेव जी हैं, तो जन्म लेते ही घर को छोड़कर के चले गए थे। जन्म हुआ 12 बरस तक वे माता के गर्भ से बाहर नहीं आए थे, 12 बरस तक माता के पेट में ही थे। क्यों गर्भ में थे? सुखदेव गोस्वामी इसलिए थे कि उनको पता था कि संसार में आने के बाद में लोग भजन नहीं करते हैं, संसारिक कामों में लग जाते हैं, संसारिक संबंध बनाने में लगे रहते हैं, इसीलिए वे आ नहीं रहे थे। तो नहीं आने के कारण उनको गर्भ में 12 बरस रहना पड़ा। और जब उनको कहा गया कि आप चिंता मत कीजिए, आपको माया बाधित नहीं करेगी, आप जल्दी बाहर आइए, तब सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया कि 12 बरस के बाद माता के गर्भ से बाहर आए और आते ही सन्यासी बन गए, जंगल में चले गए। व्यासदेव जी को बड़ा दुख हुआ था, उनका लड़का 12 बरस का लड़का जन्म लेते ही 12 बरस जैसा हो गए थे, और जब जाने लगे तो व्यासदेव जी रोक रहे थे उनको कि रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा, लेकिन वे नहीं रुके और जंगल में जा कर के ध्यान करते थे, ब्रह्म का चिंतन करते थे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म में लगे हुए थे, तो इधर व्यासदेव जी ने जब भागवत की रचना किया, तो उन्होंने अपने उसी पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाना चाहा। क्यों पढ़ाए? इसलिए पढ़ाए कि उनका अपने पुत्र के प्रति स्नेह है, प्रेम है, और भगवान के परम सुख को व्यासदेव जी ने अनुभव किया है। तो व्यासदेव जी जब उस सुख को अनुभव किए हैं, कृष्ण प्रेम क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, उसको अनुभव किए कि सबसे श्रेष्ठ जीवन यही है, व्यासदेव जी ने स्वयं अनुभव किया और अनुभव किए, तो वे अपने पुत्र को इसलिए देना चाहते हैं कि जैसे स्नेहवान जो पिता होते हैं, अगर सुंदर वस्तु जब खाते हैं, सुस्वादु मिठाई खाते हैं, तो खाते ही उनके मन में आता है कि यह मीठा अपने बेटा को भी देना चाहिए, इतना सुंदर यह मिठाई है, बेटा के लिए भी ले जाना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि पुत्र के प्रति उनका स्नेह है, प्रेम है। तो इसी तरह व्यासदेव जी ने जब इस ग्रंथ की रचना किया, जीवन में बहुत कुछ किए लेकिन जो सुख नहीं मिला था, जब भागवत लिखे तो उनको सुख मिलने लगा, तो सोचे कि अरे यार, ये जीवन की अंतिम कमाई और बड़ा महत्वपूर्ण धन है, तो इसको सुखदेव को देना चाहिए। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सुस्वादु मिष्ठान देता है, वैसे ही कृष्ण प्रेमानंद का आस्वादन कराने के लिए हमारा पुत्र कृष्ण के रूप रस आदि के विषय में अनुभव कर सके, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को भगवान व्यासदेव जी ने अध्यापयामाशः इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ाए। जो दिव्य वस्तु है, दिव्य चीज है, उसको किसको पढ़ाए? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी भगवान व्यासदेव जी के बेटा हैं, और यही सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाएंगे आगे। महाराज परीक्षित को कथा सुनाएंगे, कहाँ सुनाएंगे? आप ही के जिला में। आप लोग गए हैं जहाँ सुखदेव जी कथा किए हैं? सुखताल, मुजफ्फरनगर से लगभग 30 किलोमीटर है सुखताल, तो वहीं पर इस भागवत को सुखदेव गोस्वामी ने कहा था।
हमको आज तक समझ में नहीं आया, मैं बहुत बार इधर आया हूँ कथा करने के लिए, मैं कितने बार विचार भी करता हूँ अकेले में भी कि इसी जगह पर सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाया और इसी सब क्षेत्रों के महाराज परीक्षित है, फिर भी इधर के लोग कथा क्यों नहीं सुनते हैं, मैं बहुत बार विचार करता हूँ। सबसे कम लोग आते हैं हमारी कथा में तो यहाँ इस क्षेत्र में, जहाँ भी मकदूपुर भी मैं करता हूँ तो लोग नहीं आते हैं, ये नहीं कि यहाँ आते हैं नहीं वहाँ आते हैं, वहाँ भी लोग नहीं आते हैं कथा में, और अन्य जगह पर जाते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है कि क्या कहा जाए, और यहाँ तो इतना सुंदर सुंदर बेचारे भक्त लोग प्रसाद भी खिला रहे, उधर कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा दे दिए तो नहीं मिलता, फिर भी लोग कथा में आते हैं, बहुत भीड़ होती है, आप लोग नहीं समझ सकते हैं, बहुत भीड़, और इतना सुंदर पंडाल भी उधर नहीं लगता है। बिहार में चले जाइए, मधुबनी के तरफ, जनकपुरी के तरफ चले जाइए, नेपाल में, बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, इतनी भीड़ होती है कि क्या कहा जाए। तो मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि कलयुग में महाप्रभु बंगाल में ही जन्म लिए, इन्हीं सबको देख करके उधर शायद आए महाप्रभु। भगवान कृष्ण इधर आए थे, ब्रज में जन्म लिए, और ब्रज में भगवान जन्म लिए, इस क्षेत्रों में भी आए, हस्तिनापुर आदि में आए, द्वारिकापुरी गए, लेकिन सोचे कि अब कलियुग में हमको बंगाल में अवतार लेना चाहिए। आप लोगों के यहाँ तो बहुत प्रेम से कथा में आना चाहिए, इतने सुंदर बेचारे व्यवस्था किए हैं भक्त लोग, कथा का समय है 2:05 समापन करना है, 1.5 घंटा और समय बचा हुआ है, क्या सुनेंगे कथा। आप ही के क्षेत्र में भागवत किया गया था सुक्ताल में, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाए, और उस समय देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े लोग एकत्रित हो गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी, और किसी को बुलाया नहीं गया था। इस समय तो पंपलेट भी दिया गया है, 1.5 महीना पहले से ही, 2 महीना पहले से ही, और हर एक साल आप लोग जानते हैं कि कथा होती है होली में, जिसको प्रेम होता तो बिना पंपलेट के आ जाना चाहिए, पूछ रहे थे कि कब से कथा है, होली तो आ रही है, आ जाना चाहिए कथा में। इतने लोग आ गए, वहाँ भीड़ मच गया, और सब लोग बैठे हुए थे पहले से, ये नहीं कि सुखदेव गोस्वामी जब आए तब धीरे धीरे श्रोता लगाना चालू किए, पहले से ही सब लोग बैठे हुए थे, और जब सुखदेव गोस्वामी आए तो देखे कि वहाँ भीड़ लगी हुई है, और सुखदेव गोस्वामी को आते ही सभी लोग खड़े हो गए। महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, प्रश्न क्या किए हैं महाराज परीक्षित मालूम है? महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से मरना है, जो निश्चित रूप से मरने वाले व्यक्ति हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और क्या नहीं करना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, उनका प्रश्न है। यहीं से कथा चालू ही हुई है, महाराज परीक्षित का प्रश्न कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से शरीर छोड़ने वाले हैं, उनको क्या करना है, और हम समझ रहे हैं कि जितने लोग हैं सब मरने वाले हैं, कोई इसमें अमर बन करके नहीं आया। तो जब इस तरह के प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा। सुखदेव गोस्वामी कहे कि संसार में लोग दूसरा प्रश्न करते हैं, हमारा बिजनेस कैसे अच्छा से चलेगा, बताइए हमारा उम्र कितना है, हमारे भाग्य में धन है कि नहीं है, मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा, मेरा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, यही सब झंझट में संसार फंसा हुआ, यही सब पूछते रहते हैं, और इसी को जो बताता है उसकी पूजा बहुत ज़्यादा होती है।
झूठ सच बता दिया, बस उसके यहाँ भीड़ लगा हुआ है। धन भी देंगे, प्रणाम भी करेंगे, भीड़ भी जुटेंगे। लेकिन महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न नहीं किया, महाराज ने किया कि जो निश्चित रूप से शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है। सुखदेव गोस्वामी को बड़ा अच्छा लगा प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी कहे कि देखो, जो इस जीवन में भी सुखी रहना चाहता है और इस जीवन के बाद में भी सुखी होना चाहता है, तो उसे तो केवल एक ही काम करना पड़ेगा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यम चेक्षता भयम्। उसे केवल भगवान के विषय में ही सुनना, कीर्तन करना। वो भगवान कौन है? तो सर्वात्मा है, वो हरि हैं। तो यहाँ पर भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं कि जब भागवत की रचना किए तो दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं, उसको अपने पुत्र को पढ़ाए, बहुत सुंदर ढंग से अध्ययन कराए, बहुत सुंदर ढंग से। सुकम अध्यापयामाशः, मननशील सुखदेव गोस्वामी को भगवान व्यासदेव जी ने अध्ययन कराया। जो प्रधान है भगवत भक्ति में, जो श्रेष्ठ है, उस ग्रंथ का अध्ययन कराए। सौनक जी कहते हैं, सुत गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं, तो सौनक जी कहते हैं कि सवै निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्यवा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत। करें कि हे भगवान, सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म के आनंद का अनुभव करते थे, संसारिक चीजों से उनका मन हटा हुआ था, अन्य किसी भी चीज में उनकी रुचि नहीं थी, वो आत्मानुभव में ही तृप्त, अर्थात बाह्य ज्ञान से शून्य थे, किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखने वाले सुखदेव गोस्वामी मननशील थे, अपने आप में रमण करते थे। फिर कस्यवा एतम बृहतिम समभ्यसत, फिर वह सुखदेव गोस्वामी किस कारण से इस बृहद श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए। उनका प्रश्न है कि जो जन्म लेते ही सन्यासी हो गए थे, जंगल में चले गए थे, और जंगल में जाकर के केवल भगवत चिंतन ध्यान में लगे हुए थे, उनको संसार से कोई लेना न देना, कोई मतलब ही नहीं था, तब फिर किस कारण से, किस उद्देश्य से इस बृहद श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किए, आप कृपा करके बताइए। आखिर इसमें क्या विशेषता थी? उनका तो मन ब्रह्म में लगा ही था, ब्रह्म का अनुभव कर रहे थे, परमात्मा का अनुभव कर रहे थे, तो फिर कैसे इसको पढ़े, अध्ययन किए, आप हमको बताइए, हम जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। तब सुत गोस्वामी कहते हैं कि जानते हो क्यों सुने? जो भी श्लोक आने आ रहा है, इसी श्लोक पर हमारे गुरु महाराज ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा किया था वृंदावन में 98 में गुरु महाराज वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में इसी श्लोक पर 7 दिन कथा किया था, जो अभी आने वाला है। कहते हैं सुत गोस्वामी के आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथाय पेरोक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। आत्मा रामश्च मुनयः, आत्मा राम मुनि गण भी निग्रंथा अपि विधि निषेधातीत अथवा अहंकार रूप हृदय ग्रंथिहीन हो करके भी उरुक्रमे अनंत लीला विलासी भगवान में अहेतुकिम भक्तिम कुर्वन्ति, अन्य वासना सुन भक्ति करते हैं,
यत क्यों करते हैं, क्योंकि हरिम इथम भूत गुण गुण लीला आदि द्वारा सर्वचित हरणकारी भगवान श्री हरि एतादृश गुण संपन्न अर्थात सर्वचिताकर्षक गुण संपन्न है। जो बड़े बड़े मननशील मुनि लोग जो हैं वे लोग भी भगवान के कथा को क्यों सुनते हैं, क्योंकि भगवान की ऐसी महिमा ऐसा गुण ऐसा स्वभाव है कि बड़े बड़े लोगों के मन को भी आकर्षित कर लेता है। इथम भूत गुणो हरि आत्मा रामस चमुनय, जो अपने आप में रमण करने वाले हैं उनके मन को भी आकर्षित करने वाला अगर कोई है तो वो भगवान है। भगवान की ऐसी लीला है, ऐसा गुण है, ऐसी विशेषता है कि उनके रूप को, उनके गुण को, उनके महिमा को जो व्यक्ति सुन लेता है तो वह भगवान के गुण को सुन करके, महिमा को सुन करके वह आकर्षित हो जाता है, क्योंकि यह भगवान के महिमा है। गुण लीला आदि द्वारा सबके चित्त को भगवान हरण कर लेते हैं। हरि भगवान को हरि कहा जाता है, भगवान हरि हैं। इथम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान की ऐसी विशेषता ही है। हरि का मतलब ही होता है कि जो सबके मन को अपने तरफ आकर्षित कर ले। हरि के बहुत अर्थ है, 64 प्रकार का अर्थ किया गया है हरि का। हरि शब्दे नाना अर्थ, हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरि शब्दे नाना अर्थ दुई मुख्यतम, अनेक अर्थ है उसमें दो मुख्य है। दो मुख्य क्या है कि सर्व अमंगल हरे, समस्त प्रकार के अमंगल को समाप्त करता है। हरि कहते ही व्यक्ति का जो अमंगल है वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दूसरा क्या है कि प्रेमा दिया हरे मन, प्रेम प्रदान करके उसके मन को आकर्षित कर देते हैं। भगवान हरि का यही मुख्य अर्थ है। हरि शब्दे नाना अर्थ दुई मुख्यतम, हरि के अनेक अर्थ है उसमें दो मुख्य है। दो मुख्य क्या है कि समस्त प्रकार के अमंगल को समाप्त करते हैं और प्रेम प्रदान करके उसके मन को आकर्षित कर लेते हैं। उस व्यक्ति का मन भगवान में लगने लगता है, यह हरि की विशेषता है। प्रश्न है सौनक जी का, प्रश्न क्या है कि सुखदेव गोस्वामी जो आत्मा राम थे, तो आत्मा राम व्यक्ति जो जन्म लेते ही जंगल में चले गए थे, संन्यास ले लिए थे, वो सन्यासी व्यक्ति फिर कैसे एक जगह आकर के अपने पिता के यहाँ बैठ करके भागवत का अध्ययन किए? वो तो आत्मा राम थे, ब्रह्म का अनुभव करते थे, कर चुके थे, तो फिर उनको आने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? तो यह जरूरत है कि भगवान की ऐसी महिमा है, भगवान का ऐसा गुण है, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि भगवान के महिमा को, भगवान के लीला को, भगवान के गुण को, भगवान के रूप को जो देख लेता है तो वह मोहित हो जाता है। इतने सुंदर भगवान है। जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जब जाते थे अपने घर से निकल करके, नंद भवन से जब निकलते थे कृष्ण गाय चराने के लिए, दिन भर गाय चराते थे और शाम को जब लौटते थे तो गायों के चरण से उड़ उड़ करके जो ब्रज का रज है भगवान के मुख पर पड़ा रहता था, भगवान के केशों पर पड़ा रहता था। और जब जब गोपियों को पता चलता था कि अब कृष्ण आ रहे हैं, शाम के समय जल्दी जल्दी गोपियां अपने घर के काम धंधा छोड़ करके दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और गेट पर खड़े होकर के कोई कोई गोपी अपने झरोखों से, खिड़की से कोई कोई छिप करके भगवान के सुंदर रूप को देखती थी।
गोरज विराजे भाल लह लही बन माल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी कैसी ध्वनि बासुरी की मधुर मधुर तैसी बंक चितवनी मृदु मंद मुसुकानरी। भगवान जब गाय चरा करके आते थे तो उनके मुख पर गोरज गाय का जो पैर से उड़ा हुआ रज रज कहते हैं धूल को ब्रज रज मुख पर पड़ा रहता था, लेकिन उस रूप को देखने के लिए गोपियाँ अपने घर से बाहर निकल जाती थी। ये भगवान के सुंदर रूप की विशेषता है। भगवान का इतना सुंदर रूप है कि उस मुख के ऊपर धूल जा करके भी अच्छा लगने लगता है, और हम लोगों का ऐसा मुख है कि थोड़ा सा बाहर से आते हैं तो जल्दी मुख धोते हैं, कोई देख ना ले गंदा हो गया है शरीर, चलो जल्दी धो साफ करो स्नान करो पाउडर लगाओ क्रीम लगाओ जो भी लगाओ, क्योंकि धूल लगते ही खराब लगने लगता है। लेकिन भगवान के मुख इतना सुंदर है, रूप इतना अच्छा है कि उनके रूप के ऊपर उनके मुख के ऊपर धूल पड़ करके धूल अच्छा लगने लगता है। भगवान का शरीर इतना अच्छा है कि उनके शरीर के ऊपर जाकर के कपड़ा अच्छा लगने लगता है। हम तो कपड़ा पहन करके अच्छे लगते हैं, जब कपड़ा नहीं पहनेंगे तो लगेगा कैसा है। और भगवान जो हैं कि भगवान के ऊपर कपड़ा जाता है तो कपड़ा अच्छा लगने लगता है। वो कैसा हो क्यों ना कपड़ा हो, काला हो नीला हो पीला हो हरा हो सफ़ेद हो, देखिए भगवान के शरीर में कैसा हो वस्त्र पहना दीजिए अच्छा लगता है। तो वस्त्र अच्छा नहीं है, भगवान अच्छे हैं, और भगवान अच्छे हैं इसलिए उनके शरीर पर जाते ही सारा शरीर सारा कपड़ा सारा वस्त्र सारा रत्न सारे गहने अच्छे लगने लगते हैं। तो यह भगवान की विशेषता है, यही भगवान की महिमा है। इत्थं भूत गुणो हरि, ऐसे ही गुणों के कारण लोग भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं, प्रभावित होते हैं। ये भगवान की महिमा है, भगवान का यह गुण है। तो ऐसे प्रभु को जो सुन लेगा वो कैसे छोड़ेगा, जो एक बार भगवान के नाम को सुन लेता है ढंग से तो छोड़ता नहीं है, भगवान को पकड़ लेता है। आगे की कथा कहते हुए कह रहे हैं कि देखो, हरे गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यय गान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। हरे गुण क्षिप्त मति, सर्व चीताकर्षक कृष्ण के गुण श्रवण से आकृष्ट मति भगवान सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत नामक विशाल ग्रंथ का अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद अत्यंत सुंदर सरस कृष्ण कथा कहने के कारण से सुखदेव गोस्वामी सर्वदा नित्यम विष्णु जनप्रिय, नित्यम सर्वदा भागवत भक्तों के प्रिय हैं। सुखदेव गोस्वामी क्यों सबके प्रिय हुए, क्योंकि वह महद आख्यानम अध्यगात, श्रीमद् भागवत नामक विशाल ग्रंथ का पहले तो अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद में सुंदर सरस कृष्ण कथा को कहने के कारण। केवल पढ़ने से नहीं होता है, कुछ लोग बहुत पढ़ लेते हैं, ज्ञान बहुत रहता है, लेकिन उनको परोसने नहीं आता है, देने नहीं आता है। पढ़ने के साथ साथ सुंदर व्याख्या भी करना चाहिए और सरस लोगों का मन लगे, ऐसा कठिन प्रवचन नहीं करना चाहिए, सूरस सरस सरस रस से युक्त। अगर कोई कहता है तो सबके प्रिय हो जाता है, लोग कहते हैं कि महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं, बड़ा मधुर कथा करते हैं, और कुछ लोग कथा करते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, बस अपने समझते हैं बस आगे बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, कथा ऐसे करनी चाहिए कि जिसको लोग सब लोग समझ सकें, सबको जानकारी में आना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी इसीलिए सबके प्रिय हुए, क्योंकि वो पढ़े भी थे और सुंदर व्याख्या भी करते थे।
आज तक सुखदेव गोस्वामी जैसा वक्ता कोई नहीं हुआ। कथा करने वाले बहुत हो गए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसा आज तक कोई कथा करने वाला नहीं हुआ, और सुनने वाला महाराज परीक्षित जैसा कोई नहीं हुआ। महाराज परीक्षित एक बार जब बैठ गए कथा सुनने के लिए तो बीच में उठे नहीं, 7 दिन तक कथा सुनते रहे, और सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक कथा करते रहे। वक्ता और श्रोता को कोई रेस्ट और खाने का चिंता ही नहीं है। हम लोग ऐसे थोड़े हैं, सुनने वाले भी नहीं और कहने वाले भी नहीं है। 2-2.5 घंटा होते होते बस हो गया, रहने दीजिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंद के साथ में इस दिव्य कथा को किए और बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे थे। कह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी की केवल वक्ता ही अच्छे नहीं थे, जैसे वक्ता है, वक्ता को कह रहे हैं कि विष्णु जनप्रिय, भगवत भक्तों में उनका बहुत सुंदर स्थान था, वो सब में प्रिय थे, वैसे ही श्रोता के भी विषय में बता रहे हैं। कहते हैं कि परीक्षितो थोराजर से जन्म कर्म विलापनम, हे महाराज, हे सौनक आदि ऋषियों, जैसे वक्ता हुए हैं ठीक वैसे ही महाराज परीक्षित भी। अब इसके बाद राजर्षि परीक्षित के विषय में सुनो कि जन्म कर्म विलापनम। महाराज परीक्षित का जन्म को ले लीजिए, कर्म को ले लीजिए, मृत्यु को ले लीजिए, जो भी है। पांड पुत्राणाम संस्थान चम बक्षे कृष्ण कथोदयम, युधिष्ठिर आदि जो पांडु पुत्रों के महाप्रस्थान के विषय में कहूँगा, ये सब प्रसंग कृष्ण कथा के अवतारणा स्वरूप है, अर्थात इनसे कृष्ण कथा निकलती है। अगर परीक्षित के जन्म की बात कही जाए तो बिना कृष्ण कथा से चालू ही नहीं हो सकती है। अगर उनके बीच के जीवन को बताया जाए तो उसको बताने में कृष्ण कथा कहनी ही पड़ेगी। महाराज परीक्षित के मृत्यु के बाद कही जाए तो उसमें भी कृष्ण कथा लाना होगा। इतना ही नहीं, उनके जो पूर्वज युधिष्ठिर आदि पांडव लोग जो हुए हैं उनके विषय में कहा जाए तो कृष्ण कथा ही लाना होगा। कोई सोचे कि बिना कृष्ण की चर्चा किए इन लोगों की कथा कह दी जाए तो कह ही नहीं सकते, ऐसे श्रोता स्वभाव है। सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि आप इतना ही मत सोचिए कि केवल वक्ता कृष्ण जनप्रिय हैं, विष्णु जनप्रिय हैं। जैसे वक्ता अगर एक तरह से देखा जाए तो वक्ता से भी 20 श्रोता स्वभाव है। कि श्रोता के जन्म के विषय में कहा जाए, कर्म के विषय में कहा जाए, मृत्यु के विषय में कहा जाए, उनके पिता आदि के विषय में कहा जाए, तो जिसके विषय में भी कहने के लिए जाएंगे तो उसमें कृष्ण कथा को कहना ही पड़ेगा। ये तेन तस्य पुत्रो महायोग इत्यादि न सुखस्य व्याख्याने प्रवृत्ति कथम इति यत् पृष्ठम तस्योत्तरम मुक्तम तदन्यतः पृष्ठम परीक्षित प्रायेण वेशेन श्रवणम कथम इति तस्य जन्म महाशर्य इत्यादि तस्येतर महा परीक्षित इति। कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर महाराज परीक्षित का जन्म, महाराज परीक्षित का कर्म, महाराज परीक्षित की मृत्यु किसी को कहने के लिए चलेंगे तो कृष्ण कथा ही कहना होगा। यथा मृदे कौरव श्रींजयाना वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रिको दरावीध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे कौरव श्रृंजयानाम मृदे। कह रहे हैं कि कौरव श्रृंजयानाम, कौरव पांडव श्रृंजय पंचालों के मृदे माने युद्ध में यदा वीरेशु वीर गतिम गतेशु अथ, जब वीरगण वीर गति को प्राप्त हो गए अथ उसके बाद तब अंत में धृतराष्ट्र पुत्रे धृष्टराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ब्रिकोदरह विध गदा विमर्शम भग्नो रुदंड, जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन था उसको भीमसेन की गदा के आघात से जांघ टूट जाने पर, अब कथा प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं
कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उसमें एक से एक व्यक्ति मारे गए, बड़े से बड़े लोग मारे गए, समाप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रायः सब लोग मर ही चुके थे। जो दुर्योधन है उसके जंघा को भीमसेन ने अपने गदा से मार करके तोड़ दिया था, उसका जंघा टूट चुका था। ऐसे स्थिति में जानते हैं क्या हुआ? अब वो ओह ओह करा रहा था, चिल्ला रहा था, सभी लोग मारे गए थे। अब दुर्योधन एक जगह पर गिरा हुआ रो रहा है, उससे चला भी नहीं जा रहा, जंघा टूटा हुआ है। तो अपने स्वामी को खुश करने के लिए, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए अश्वस्थामा, जो गुरु का पुत्र है अश्वस्थामा, भरतो प्रियम द्रोणरीति स्व पश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्वि प्रियमेव तस्य तजोप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। द्रोणाचार्य के जो पुत्र है अश्वस्थामा, आप लोग ध्यान देना, कथा इस प्रकार है। शुद्ध गोस्वामी कथा कहते हुए लगे बताने, महाभारत की कथा कहने लगे कि हे महाराज, परीक्षित के विषय में आप सुनना चाहते हो? परीक्षित के जन्म की चर्चा करो तो कृष्ण कथा, कर्म की चर्चा करो तो कृष्ण कथा, मृत्यु की चर्चा करो तो केवल कृष्ण कथा। सुनो, जानते हो क्या हुआ था महाभारत युद्ध में? युद्ध बहुत दिन तक चला, उसमें बहुत लोग मारे गए, दोनों पक्षों के लोग, विशेष करके कौरव पक्ष के लोग, सभी लोग मारे गए थे। दुर्योधन का पैर जंघा जो है वो टूट चुका है भीमसेन के गदा के द्वारा प्रहार होने के कारण। अब दुर्योधन गिरा हुआ है। अश्वस्थामा जब देखा अपने स्वामी दुर्योधन को उस स्थिति में, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वह क्या करता है कि भर्तो प्रियम स्म, अपने स्वामी दुर्योधन को प्रिय करने के लिए वो सोचा कि मैं अगर ये काम कर दूंगा तो हमारे स्वामी दुर्योधन प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इति पश्यन, यह देख करके, यह मान करके, स्वपतां कृष्णा सुतानां शिरांसि उपाहरत। वह दुष्ट अश्वस्थामा ने क्या किया कि सोए हुए स्वपतां, जो सोए हुए थे कृष्णा सुतानां, कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी के जो लड़के सोए हुए थे, पांच लड़के थे द्रौपदी के, पांचों भाइयों से जिनका जन्म हुआ था, उन सोए हुए बच्चों के सिरांसि उपाहरद, सोए हुए छोटे छोटे बच्चों के सिर को काट करके ले गया अश्वस्थामा। अश्वस्थामा दुर्योधन के पास गया और कहा कि स्वामी आप चिंता मत कीजिए, आप यह मत सोचिए कि आपके सभी लोग मारे गए, अब कोई नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अभी पांचों पांडवों को मैं मार करके लाता हूँ। दुर्योधन कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तुम कैसे करोगे? कहा कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वह दुष्ट गया और जा करके क्या किया कि सोए हुए अवस्था में, उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के दूसरे जगह चले गए थे, भगवान और अर्जुन वहाँ पर थे नहीं, उसी समय अश्वस्थामा गया और जा करके क्या किया कि उन बच्चों के सोए हुए सिर को काट करके ले गया। किंतु एतद कर्म तस्य विप्रियमेव, परंतु जो कर्म किया, जो काम किया था, इससे यह कर्म दुर्योधन के लिए भी अप्रिय था। दुर्योधन के पास लेकर के तो गया लेकिन दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। यतः सर्वे जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, क्योंकि सब लोग नीच कर्म की निंदा करते हैं। जो नीच कर्म है उसकी निंदा सभी लोग करते हैं। जब अश्वस्थामा उनके सिर को काट करके ले गया और दुर्योधन को दिया कि लीजिए महाराज, मैं सिर काट करके ला दिया हूँ, तो दुर्योधन जब ऐसे पकड़ करके ऐसे दबाया तो तुरंत आसानी से वो सिर फूट रहा था। तो दुर्योधन समझ गया कि ये पांचों पांडवों का सिर नहीं है, ये पांच पांडव पुत्रों का सिर है। इससे दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ।
कुछ भी था तो उसी वंश का था, उसको बड़ा दुख हुआ और कहा कि अरे दुष्ट, अरे नीच, तूने ये क्या कर दिया, पांच पांडवों के सिर न ला करके उनके बच्चों का सिर ला दिया। वो तो खुश करने के लिए काम किया था, लेकिन उससे उल्टे उसके स्वामी और दुखी हो गए। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, तब वो कहा कि अरे इसके लिए मैं काम किया और यही हमको इस तरह की बात कह रहा है, जिसके लिए चोरी करें वही कहे चोरवा, जिसके लिए मैं चोरी किया हूँ वही हमको चोर कहेगा। माने कि आपके लिए हम चोरी करने के लिए गए और आप ही कहे अरे ये चोर है, चोरी करके लाया है। तो दुर्योधन के लिए ये काम किया और दुर्योधन को ही अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन भी इतना बदमाश नहीं था, नीच नहीं था कि छोटे छोटे बच्चों को मार कर लाएगा और उसको खुशी होगी। दुर्योधन बहुत बोला तो अश्वत्थामा को अच्छा नहीं लगा। और इधर क्या हुआ कि जब उन पांचों लड़कों के सिर को काट करके ले गया था और जब द्रौपदी जी को पता चला तो द्रौपदी जी माता शिशु